सब्सक्राइब कीजिए ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाइए और पाएं हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट इन हिंदी। फ्रेंड्स, हम गर्ल्स की खूबसूरती हमारे हेयर से होती है और जब हमारे हेयर टूटने और डैमेज, रूसी और सर में पिंपल्स होने लगते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हम बाज़ार से या हम ऑनलाइन अपने हेयर को ठीक करने के लिए केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपके लिए इन सबसे छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा ऑयल लेकर आए हैं जो हम अपने घर में अच्छे से और आसानी से बना सकते हैं, जिससे हमारे हेयर अधिक लंबे और घने हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कीजिए, क्योंकि इससे आप हमारी वीडियो को मिस नहीं कर सकते। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं कि हमें इस ऑयल को बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। नंबर वन, जिंजर यानी अदरक। नंबर टू, गार्लिक यानी लहसुन। नंबर थ्री, कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। नंबर फोर, सम वाटर यानी थोड़ा सा पानी। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं कि इस हेयर ऑयल को कैसे बनाना है। सबसे पहले हम जिंजर को अच्छे से छील कर धो लेंगे और उसे कद्दूकस में कस लेंगे। फिर उसके बाद हम एक गार्लिक को भी अच्छे से छील कर उसका एक थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है बॉइलिंग। फिर हम एक पैन में एक कप वाटर डालेंगे और उसे गैस पर रख देंगे। जब वो थोड़ा सा हीट हो जाए, हम उसमें जिंजर और गार्लिक का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे और उसे 5 से 10 मिनट तक बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम उस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और फिर उसे छन्नी में छान लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि इसे हमें लगाना कैसे है अपने हेयर्स में। तो सबसे पहले हम एक बाउल में 2 या 3 स्पून गार्लिक और जिंजर जो हमने वाटर वाला मिक्सचर तैयार किया है वो लेंगे और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लेंगे या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आफ्टर दैट आप इसे अपने सर में स्कैल्प बाय स्कैल्प लगाना है, यानी मांग में अच्छे से भरना है और फिर 25 से 30 मिनट तक आप अपने सर की मसाज करेंगे और आप इसे पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं या फिर आप 2 घंटे बाद भी इसको ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इस ऑयल को लगाने से आपके स्कैल्प में हल्की सी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। एक बात और, ये जो ऑयल हमने बनाया है इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, सर को वॉश करने से पहले आप सर पर नींबू लगा लें और फिर इसे वॉश कर लें, इससे आपके सर की बदबू निकल जाएगी। फ्रेंड्स, ये जो हमने अदरक और गार्लिक का पानी वाला मिक्सचर बनाया है इसे हम स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने एक ऐसा ऑयल बनाया है जो कि हमारे बालों को डैमेज फ्री और लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बना करने के लिए था। आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।